मेरा नाम कुशल कुमार है। टाटा टियागो ईवी का बिल्कुल बेस मॉडल जो कि एक्सी वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में आज हम इसी कार को देखने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर रैक शेयर में ऑफर किए जाएंगे। अंडर 10 लाख रुपीज कोई आप ईवी कार देख रहे हैं तो इससे बेटर ऑप्शन कोई भी नहीं है मार्केट में। तो इस टाइम मैं खड़ा हूँ टाटा मेडास मोटर्स पर रुड़की उत्तराखंड में। इनका शोरूम मुजफ्फरनगर सहारनपुर हरिद्वार में भी है। सभी शोरूम्स की कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर शो रही होंगी। अगर आपको कोई सी भी टाटा की कार चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतने अच्छे डायमेंशन की कार हो और रेंज भी आपको अच्छी मिल जाए और इसी के साथ आपको सेफ्टी भी 4 स्टार मिलने वाली है, तो इन सब चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बिल्कुल बेस्ट बन जाती है अपने सेगमेंट में। और प्राइस भी काफ़ी बढ़िया इस कार का, 8,70,000 रुपीज़ के एक शोरूम प्राइस पर आपकी वाली कार मिल जाएगी। बेस मॉडल है तो फीचर्स की कुछ आपको कमी महसूस होगी इस कार के बेस मॉडल में, पर लेकिन इससे अपर मॉडल्स भी आते हैं। अगर आपको फीचर्स और ज़्यादा चाहिए तो आप उन वाले वेरिएंट की साइड देख सकते हैं। एक एक करके हम सभी फीचर्स को हम देख लेंगे, उन वेरिएंट्स में आपको क्या क्या मिल जाते हैं, कौन सा वेरिएंट फिर वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग प्राइस में कोई ऐसी कार देख रहे हैं, आफ्टर मार्केट अगर आप काम करा सकते हैं तो फिर आपके लिए फिर बेस मॉडल भी बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इस कार की की से ही। तो रिमोट सेंटर लॉकिंग तो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी, बेसिक सी की रहने वाली है, टाटा का हो गया इस पे लोगो, और दोनों ही की सेम रहेंगी इस कार में। और ये रही इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको हेलोजन मिल जाएंगे हेडलैम्प्स, और इंडिकेटर में भी आपको बल्ब मिल जाता है। और ग्रिल रहेगी इस कार की पियानो ब्लैक फिनिश की, उसी पर आपको ट्राई एरो डिज़ाइन मिल जाएगा। और एक हेडलाइट से लेकर दूसरी हेडलाइट तक मिल जाएगी आपको ब्लू लाइन। ईवी की होगी यहाँ पर बेजिंग। और फोग लैम्प्स आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। और अब इस कार को फ्रंट से देखते हो तो कोई भी नहीं कहने वाला है बेस मॉडल है इस कार का। देखने में काफ़ी बढ़िया सी लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, पर लेकिन जैसे आप इस कार की साइड प्रोफाइल की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले नज़र आपकी इनकी व्हील्स पर ही जाएगी कि आपको उसमें व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में। और इससे जो एक अपर मॉडल यानी कि XT वेरिएंट है उसमें आपको व्हील कवर्स भी मिल जाएंगे। 175/65 R14 इनकी प्रोफाइल रहने वाली है। वो इंडिकेटर हो गया इसके फेंडर पे, ईवी की बेजिंग होगी इसके फेंडर पे। और ये रहे इस कार के ORBM जो कि आपको ब्लैक कलर का मिल जाएगा। इंटरनली एडजस्टमेंट मिलेगी आपको ए पिलर बॉडी कलर का, और डोर हैंडल्स भी आपको ब्लैक कलर के मिल जाते हैं इस कार में। और ये रहा इंटीरियर इस कार का जो कि डुअल कलर का रहने वाला है, ब्लू कलर की आपको स्टिचिंग में मिल जाएगी। इंटीरियर तो देखने में काफी प्रीमियम है, पर लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि आपको बेस मॉडल में तो नहीं मिलते हैं। और स्टिक मिल जाएगी आपको ORBM को एडजस्ट करने के लिए। और फिर ये साइड प्रोफाइल इस कार की, अगर आप पेट्रोल वाली टियागो को देखेंगे तो डायमेंशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और फिर ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की, देखने में तो काफी बढ़िया लगती है। इतने प्राइस में आपको ईवी कार भी मिल जाती है। जैसे आपको पता होगा जो MG की कॉमेट आती है वो डायमेंशन में देखने में काफी छोटी लगती है, प्राइस भले से उसका कम हो पर लेकिन देखने में काफी छोटी लगती है। इतनी प्रैक्टिकल कार नहीं है, 2 डोर में आती है सिर्फ। और जो टियागो है वो आपको 4 डोर में मिल जाएगी। और फिर ये बैक प्रोफाइल इस कार की, ऊपर एक साइड मिल जाएगा आपको इंडिकेटर स्पॉइलर, हेडलाइट स्टॉप लैंप, वोकल फोर लोकल का हो गया स्टीकर, रियर डिफोगर, वॉशर, वाइपर जैसे फीचर्स नहीं है। और ये इसकी टेल लाइट, इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिल जाएगा, इंडिकेटर और बैक लाइट में भी टाटा का लोगो हो गया, टियागो ईवी की बैजिंग मिल जाएगी, कार की बूट को अनलॉक करने के लिए की लगाने का हो गया ऑप्शन। और ये इस कार का बूट, 5 एट्रे आपको बेस मॉडल में नहीं मिलती है। 240 लीटर का इस कार में बूट स्पेस, टायर पंचर किट हो गए यहाँ पर। और ये इसका चार्जर। तो ये तो बात इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आपने देखा कुछ इतने फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर से मिल जाते हैं। जैसे फीचर्स आपको नॉर्मल वाली टियागो पेट्रोल में मिलते हैं वैसे ही फीचर्स आपको एक्सटीरियर में टियागो ईवी के बेस मॉडल में मिल जाएंगे। जैसे व्हील कवर्स आपको उसमें नहीं मिलते हैं, हेलोजनी हेडलैम्प्स हैं, बस जो एक्सटीरियर में आपको ब्लू कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, ग्रिल में हो गया, और ईवी की बेजिंग मिल जाएगी। कुछ ऐसा डिफरेंस है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पेट्रोल वाली टियागो से, तो वो जो मेन डिफरेंस रहेगा वो इस कार के इंटीरियर में है। एक एक करके सभी चीजों को हम देख लेंगे। अगर आपको फीचर्स कम लगते हैं बेस मॉडल में, लगेंगे भी क्योंकि बेस मॉडल में आपको फीचर्स ने ज्यादा नहीं मिलते हैं जितने आपको इससे अपर मॉडल जो आता है टियागो ईवी का जो कि XT वेरिएंट है उसमें आपको ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे बेस मॉडल के मुकाबले। प्राइस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 60,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट में। और फिर इतने प्राइस में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी फ्लिप की जो आती है, और बॉडी कलर के आपको डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहेंगे, ORBM व्हील कवर्स मिल जाएंगे, और इंडिकेटर्स भी आपको ORBM पर दिए जाएंगे। और फिर इंटीरियर में भी काफी बढ़िया फीचर्स है उस वाले वेरिएंट में,
टस्की 940 सिस्टम हो गया। सब कुछ बता दूंगा आपको वीडियो के एंड तक, सारे फीचर्स को बता दूंगा क्या क्या मिलने वाले हैं आपको वीडियो के एंड तक। 19.2 किलोवाट की आपको उसमें बैटरी मिल जाएगी और बैटरी कैपेसिटी रहने वाली है इस कार की 19.2 किलोवाट की, जो की 60 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है। 110 Nm का मिल जाएगा आपको इस कार में टोर्क। फिर आपको इस कार से रेंज मिल जाएगी 250 किलोमीटर की, जो की कंपनी क्लेम करती है। अगर आप इसके टॉप मॉडल की साइड जाएंगे तो फिर आपको उसमें 315 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी और चार्जिंग टाइम रहेगा इस कार का 7 आवर्स का। तो चलिए फिर मैं आपको इस कार का इंटीरियर दिखाता हूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला आपको इस कार के इंटीरियर में। और ये रहा इंटीरियर इस कार का, इंटीरियर भी डुअल कलर का और वही पैटर्न आपको उसके डोर पे दिखाई देगा डुअल कलर में। स्टिक मिल जाती है आपको यहाँ पर वार्म की वजह करने के लिए, डोर ओपनर ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल्स बेस मॉडल में नहीं है। अगर आप इससे अपर मॉडल यानी कि XT वेरिएंट की साइड जाएंगे तो उसमें आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, नाइस स्पीकर्स हैं। और फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगता है डैशबोर्ड इस कार का। और ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट हेडसमेंट का फीचर नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने का मिल जाएगा। और ये रहा बैक डोर, डोर अपना ब्लैक कलर का, मैनुअली विंडो, स्पीकर की ग्रिल होगी, वाटरप्रूफ ग्लास स्पेस है, डॉक्यूमेंट स्पेस। तो वैसे उस तरह रहने वाला इंटीरियर कार का सभी फीचर्स को हम देखने वाले, क्या क्या ऑफर करे जाने वाले आपको इस कार के इंटीरियर में। जिसे आप देखते हो पूरा ब्लू ब्लू सा रहने वाला इंटीरियर कार का। अगर आप नॉर्मल वाली टियागो लेते हो तो उसमें आपको यहाँ पर क्रोम मिल जाता है, पर लेकिन आपको यहाँ पर ब्लू कलर मिल जाएगा। और यही थीम रहने वाली है इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कार के स्टीयरिंग व्हील से ही। तो उस तरह का आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, टाटा का हो गया, यहाँ पर लोगो पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर आपको साइड में ब्लू मिल जाता है, बीच में होगी MID, कितना बैटरी चार्ज है वो आपको उसमें दिखता रहेगा, नीचे की साइड हो गया टाइम, और क्या रेंज है वो भी आपको यहाँ पर दिखती रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं, जो काफी बढ़िया बात है। 147 की रेंज आपको अब भी दिख रही है, जबकि 77% चार्ज है। फिर अगर आप इसको 100% चार्ज कर लेंगे फिर तो आपको और बढ़िया रेंज मिल जाएगी इस कार से। यहाँ पर आपको बैटरी का इंडिकेटर मिल जाएगा, कुछ होगी इसमें अलर्ट लाइट्स। और ये रहा ड्राइवर साइड इजी वेंट, यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ब्लू कलर हो गया साइड में, वार्म को एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर स्टिक मिल जाती है। और ये रहा सेंटर कंसोल इस कार का, बेस मॉडल में तो आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, पर लेकिन आप इसके अपर मॉडल्स की साइड जाएंगे तो आपको उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा। ये रहे एसी वेंट्स, हजार लाइट हो गया बटन, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी इस कार के बेस मॉडल से, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, वो तो स्पेस हो गया, और न्यूट्रल ड्राइव और रिवर्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश हो गई साइड में, और कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक ये रहा इस कार का। वो ये रहा ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। वो ये रहा IRVM जिसमें आपको डे नाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। वो ये रहा को ड्राइवर साइड सन वाइजर, वैनिटी मिरर यहाँ पर नहीं है। वो ये रहा ग्रैब हैंडल, उस तरह की रहेंगी इस कार की फ्रंट सीट्स, जिनमें आपको BS मॉडल से ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ब्लू कलर रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रे एरो डिजाइन बना हुआ है, जिससे देखने में काफी बढ़िया लगती है इस कार की सीट्स। डोर ओपनर हो गया ब्लैक कलर का, मैनुअली विंडो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगी। इसे जो अपर मॉडल्स आएंगे उसमें आपको फ्रंट डोर से पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, वाटरप्रूफ ग्लास स्पेस हो गया, डॉक्यूमेंट ग्लास स्पेस। और ये रहा इस कार का ग्लो बॉक्स, काफी बढ़िया साइज रहने वाला है इस कार के ग्लो बॉक्स का। तो ये तो बात है इस कार के फ्रंट सीट पर बैठकर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो चलिए फिर मैं लेके जाता हूँ इस कार की रियर सीट पर। पावर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा, ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा कितना लेग रूम यहाँ पर। मेरी हाइट 6 फीट है, वैसे तो उतना लेग रूम रहेगा इस कार में, लेग रूम और हेड रूम में बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है, काफी स्पेस लगेगा कैबिन इस कार का। भले से डायमेंशन इस कार की छोटी हो पर लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है ईवी के हिसाब से, और इतने प्राइस के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो काफी बढ़िया कार मिल जाती है आपको इतने प्राइस में, और इतना स्पेसियस कैबिन और इतने अच्छे लुक मिल जाते हैं आपको इस कार में। जैसे मैंने आपको दिखाई दिया फ्रंट में आपको कैबिन लैंप नहीं मिलता है, पर लेकिन कैबिन लैंप मिल जाएगा आपको यहाँ पर मिड में, जो कि LED का रहेगा। रियर सीट पर भी ब्राइटनेस रहती है, फ्रंट में हो गया स्टेबल हेडरेस्ट, और बैक में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर हो गया ग्रैब हैंडल, रेडी सी वेंट्स नहीं यहाँ पर क्योंकि छोटा कैबिन है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हो गया कितने साइज का हम, और ये रख बैक डोर इस कार का, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर साइड हो गया ग्रैब हैंडल। तो ओवरऑल किस तरह का इस कार का कैबिन, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखा दिए हैं। तो वैसे हमने उस तरह का इस कार का वॉक अराउंड, जो भी फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर एक्सटीरियर में मिल जाते हैं वो मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। इसे आपने देखा बेस मॉडल है इस कार का, लेकिन आप इस कार को फ्रंट से देखते हैं तो कोई भी नहीं कहने वाला है बेस मॉडल है इस कार का, लेकिन जैसे आप इस कार की सेट प्रोफाइल को देखेंगे तो उसमें आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं, तो कुछ ऐसी कमियां हैं बेस मॉडल में। अगर आपको बेसिक फीचर्स अपनी कार में चाहिए तो फिर आप इसके XT वेरियंट को देख सकते हैं, वो 60,000 रुपीज एक्सपेंसिव है इसके बेस मॉडल से। फिर उसमें आपको सभी बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे आपको
रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, व्हील कवर्स मिल जाएंगे, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे, 2D का इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग मॉडेड कंट्रोल्स हो गए, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको इसके XT वेरियंट में। तो बेसिक फीचर जिनको चाहिए तो उनके लिए तो XT वेरियंट है जो इससे अपर मॉडल है, और जिनको आफ्टर मार्केट काम कराना अपनी कार में तो फिर वो इस कार को देख सकते हैं। तो चलिए फिर, आपको इस कार के और वेरियंट की वीडियो देखनी है या फिर किसी और कार का वॉकडाउन देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।